नाव का भूमि पूजन किया गया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कस्बा राया के गणेश बाग में लगने वाले आतिशबाजी मेले क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ कराया। सौंदर्यीकरण होने से मेला स्थल में 4 चांद लग जाएंगे। बुधवार को विधि विधान के साथ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के JEMD पालीवाल मेला समिति के अध्यक्ष विशाल पाराशर, महासचिव मनोज वासनीय, कोषाध्यक्ष ललित मोहन गुप्ता, मेला संरक्षक महंत मनोज नागर ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर सौंदर्यीकरण का शुभारंभ किया। विकास प्राधिकरण के JE पालीवाल ने बताया कि उक्त कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसके अंतर्गत मेला स्थल में टाइल्स, बाउंड्री वाल, यात्री विश्राम स्थल, गेट आदि का निर्माण कराया जाएगा। बताते चले कुछ दिन पूर्व मनकामेश्वरी मेला समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैल्याकांत मिश्र से मुलाकात कर मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए पत्र दिया था। हालांकि बलदेव विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश द्वारा विधायक निधि से मेला क्षेत्र के चारों तरफ खरंचा और मंच का निर्माण कराया जा चुका है। सौंदर्यीकरण होने के बाद मेला में 4 चांद लग जाएंगे। इस दौरान जितेंद्र प्रताप सिंह शास्त्री, राजकुमार शर्मा, राजन भट्ट, कालीचरण अग्रवाल, पुनीत चौबे, सागर शर्मा सहित लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, राजकुमार उपमन्यु, मथुरा, समाचार 24।